हेलो स्टूडेंट, इन चैप्टर फोर ट्राइबल्स डिक्यूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज पार्ट थर्ड वी विल डिस्कस। लास्ट टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अफेक्टिंग ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेटर। द ब्रिटिशर्स वांटेड टू ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन टू ब्रिंग देम वेयर एडमिट द रेवेन्यू असेसमेंट। ब्रिटिश चाहते थे कि ट्राइबल्स ग्रुप जो है वो एक जगह एकत्रित होकर के वो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे। देयरफॉर द मेजरमेंट ऑफ द लैंड टू प्लेस सम पीजेंट्स आर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर एंड अदर एज टेनेंट। इसलिए उन्होंने ज़मीन को कुछ पीजेंट्स को देकर के उसे लैंड ऑनर बनाया, जबकि कुछ को टेनेंट बना दिया गया, किराएदार बना दिया गया लैंड का। व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ, उनका ट्राइबल चीफ के साथ क्या हुआ। प्रिविलेज इंजॉयड बाय द ट्राइबल चीफ वर लॉस्ट एज सून एज ब्रिटिशर्स अराइव्ड। दे वर फोर्स्ड टू पे द ट्राइब्यूट विद द लॉस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दैट वर इंजॉयड बाय देम प्रीवियसली। उन जो जंगली सरदारों के जो मुखिया होते थे, उनकी स्थिति यह हो गई कि उन्होंने अपने पहले वाले पावर ब्रिटिश के आने के बाद खो दिए। उन्हें ज़बरदस्ती उनसे रेवेन्यू लिए गए, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनसे छीन लिए गए। सर्च फॉर वर्क, ट्राइबल्स हु वेंट फॉर अवे फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होम्स वेयर मेजर सफरर्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर बिगिन इन 19th century एंड दे वेर इम्प्लॉयड इन द स्ट्री एंड देयर पोजिशन बिकम पैथेटिक एज दे वेर नॉट अलाउड टू गो होम। स्थिति यह हो गई कि उनसे उनका जंगल का जो जीवन था वो समाप्त होकर दिया गया, और दूसरी तरफ उन्हें एक नए काम के लिए जो है बाय फोर्स किया गया, ताकि उन्हें ज़बरदस्ती इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड काम दिलाया जा सके, वो काम कर सके दूसरे वर्क के लिए। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और उन्हें अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। प्रॉब्लम विद द ट्रेड, मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स फ्रिक्वेंटली विजिट द ट्राइबल एरियाज एंड देयर मोटिव्स वाज़ टू मेक प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग द ट्राइबल एज पर देयर विश। सून ट्राइबल केम टू नो अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड स्टार्टेड मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम देम। व्यापार की भी समस्या आ गई। मनी लेंडर ट्रेडर्स जो थे वो लगातार ट्राइबल्स एरियाज में विजिट करते थे और उनका उद्देश्य था कि उनसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें, उनको एक्सप्लॉइट करके, उनका शोषण करके। सून ट्राइबल्स केम टू नो अबाउट देयर इंटरेस्ट, शीघ्र ही ट्राइबल्स लोगों ने उनकी इस कंडीशंस को जान गया और स्टार्टेड मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम देम और उनसे दूरियां भी बनाना शुरू कर दिया। सम एयर झूम कल्टिवेटर वी विल डिस्कस हियर। सम ट्राइबल्स कम्युनिटीज प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन। दे क्लियर द पैच ऑफ फॉरेस्ट एंड कल्टिवेटेड इट फॉर द फ्यू ईयर्स एंड व्हेन इट लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी दे मूव फॉर द अदर साइड्स। दिस वन इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न टेक्निक्स। जो झूम कल्टिवेटर थे वो झूम कल्टिवेशन का काम करना शुरू कर दिए। जो फॉरेस्ट एरियाज के पैच ऑफ लैंड थे वहाँ उन्होंने खेती किया और कुछ समय के बाद उसको छोड़ करके कहीं और चले जाते थे, उसमें स्लैश एंड बर्न पोजीशन हो जाता था। बाद में उसमें फर्टिलिटी गेन होने के बाद दोबारा वो उस पर खेती करते थे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक हियर अबाउट द हंटर एंड हर्डेड एनिमल्स। There were some groups who lived in the life of forest nomads. कुछ ऐसे भी जंगली थे जो pastoral nomads ग्रुप में, यानी मवेशियों का पालन करना वो सीखे। They migrated from place to another with the change of season with their livestock in search of fodder. चारा की खोज में वे एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते थे सीजन के अकॉर्डिंग। Now we'll see the Birsa Munda's life. Okay, Birsa Munda was born in mid 1870 in a poor family. Birsa Munda का जन्म मध्य 1870 में गरीब परिवार में हुआ। हिज फैमिली वॉज ऑन मूव इन द सर्च ऑफ वर्क। उनकी परिवार जो थी वह काम की तलाश में बाहर निकली। सिंस हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन द एल्डर मेंबर, बचपन से ही वो ही हैड सीन द एल्डर मेंबर ऑफ द ट्राइब्स अर्जिंग द यंगर मेंबर टू रिबेल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वे लोग एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में रिबेल कर रहे थे, वे लोग उसके खिलाफ थे, ठीक है। Now we'll see Dikus. Who were Dikus? Dikus were the outsider who visited Munda lands. Dikus, उन्हें कहा गया जो मुंडा के ज़मीन पर, मतलब मुंडा जो जंगली आदिवासी थे उनके ज़मीन पर वे लोग आए हुए थे। These people included British officials. इसमें मुख्यतः British officials, हिंदू लैंड लॉर्ड्स और मनी लेंडर्स ट्रेडर्स को बोला गया है। आज हम देखेंगे नेक्स्ट में, लास्ट में, मनी लेंडर, द पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन इंटरेस्ट, दे वर कॉल्ड मनी लेंडर्स। एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, कल्टिवेशन प्रैक्टिस इन विच द लैंड वॉज फ्रिक्वेंटली चेंज्ड एज इट्स लॉसेज इज फर्टिलिटी। इट इज़ समवॉट सिमिलर टू झूम कल्टिवेशन, इट इज़ वेली प्रैक्टिस्ड ऑन हिली एरियाज।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन विच इज ज़मीन पर ये किया जाता है और लॉसेस जब इसकी फर्टिलिटी लॉस्ट होती है तो वह झूम कल्टीवेशन जो है मोस्टली हिली एरियाज़ में अपनाया गया है. ओके, डेट्स ऑल.